बच्चों घड़ियों की बात चल रही थी और घड़ियों में हम बात कर रहे थे हमारे शेड्यूल की। हम हमारे शेड्यूल को घड़ी के हिसाब से चलाते हैं। जी हाँ, मॉर्निंग आवर्स में हमें उठना है, देन आफ्टर कौन उठा रहा है, कई बार मम्मा पापा उठाते हैं, और ज़्यादातर मम्मा पापा भी जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पता है क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि भैया आप अपना टाइम खुद सेट करिए और अपने हिसाब से उठिए। और यही बातें उनको ज़िंदगी में सिखाती हैं कि हमें अनुशासन में रहना है, और अनुशासन में रखने के लिए घड़ी का यूज़ किया जाता है। तो ये घड़ी ही हमारे मार्क ट्वेन सर के द्वारा कहीं कुछ डिफरेंट आकार ले लेती हैं। वंस अपॉन ए टाइम इनकी घड़ी ख़राब हो जाती है, इन्होंने जो किरदार लिखा है उस किरदार की घड़ी ख़राब हो जाती है, और हम क्या देखते हैं कि घड़ी ख़राब होने की वजह से इट्स ओके स्लाइट होता है, रात के टाइम में घड़ी गिर गई है, बट वो चलना स्लो कर देती है। ओनली एंड ओनली हमने पहले के पार्ट्स में आपको बताया था कि मात्र 4 मिनट्स का ही अंतर रहता है। अब इस 4 मिनट्स के लिए वो सोचते हैं चलो मैं शॉपकीपर के पास जाया आता हूँ, और शॉपकीपर के पास जाने के बाद में क्या होता है, शॉपकीपर तो शॉपकीपर है, होता क्या है, वो तो अपना वहाँ पे कहते हैं ना डॉक्टर वाले सर्जन जो काम करते हैं वही डिसेक्शन बॉक्स लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि आपकी घड़ी स्लो चल रही है, मैं थोड़ा सा इसको फास्ट कर देता हूँ। हमारे किरदार जो ऑथर ने जिसको क्रिएट किया है बार बार कहते हैं इट्स ओके नो प्रॉब्लम, आप इसको छेड़खानी मत करिए, बट घड़ी साज नहीं मानते हैं और घड़ी को चेंज कर देते हैं। और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है घड़ी और घड़ी को डॉक्टर के पास में, घड़ियों के डॉक्टर के पास में लेके जाने का। आपने हमारे साथ साथ रीड आउट किया हमारे फर्स्ट पार्ट में बच्चों मार्क ट्वेन सर के बारे में और समरी ऑफ द एसे के बारे में, एंड हमने सेकेंड पार्ट में आपको माई वॉच का जो हमारा चैप्टर है उसे शुरू किया था, और उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे पार्ट थर्ड में। तो तैयार है हमारे साथ इस घड़ी की और क्या क्या किस किस डॉक्टर के पास जाना बाकी रह गया। जी हाँ बच्चों, डॉक्टर बोले तो हम घड़ी साज की बात कर रहे हैं, ज्वेलर बोले तो हम घड़ियों का जो ज्वेलर है, इट मीन्स घड़ियों को ठीक करने वाली जो शॉप है, हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसा कि हमारे मार्क ट्वेन सर ने हमें अलग अलग जो वॉच शॉप्स हैं उनके लिए अलग अलग नाम बता के हमें बताया कि कैसे एक ऐसे को डेवलप किया जा सकता है, कैसे उसको आगे एब्रिविएट किया जा सकता है, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। होप यू ऑल आर विद मी एंड यू हैव योर ओन बुक एंड पेंसिल विद यू, सो यू विल राइट हार्ड मीनिंग्स विद मी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, इट्स अ सेकंड पार्ट, बट अ करेक्ट एवरेज इज ओनली अ माइल्ड वर्च्यू इन अ वॉच एंड आई टोक दिस इंस्ट्रूमेंट टू अनदर वॉच मेकर। अब बच्चों माइल्ड का मतलब होता है नॉट स्ट्रॉन्ग दैट मच, नरम हल्का सा। यहाँ पे हल्के से मतलब है कि अब जो घड़ी है एवरेज टाइम तो नहीं बता रही थी, हल्का सा उसका जो मूवमेंट है वो और चेंज हो गया था, इसलिए हमारे जो ऑथर है वो क्या कहते हैं, आई टुक दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट इट मीन्स दिस वॉच टू द अनदर वॉच मेकर, अदर वॉच मेकर के पास में अब घड़ी को ले जाया जाता है ठीक करने के लिए। और वो वॉच मेकर क्या कहते हैं, देखिए He said the king bolt was broken. उन्होंने कहा कि इसका जो king bolt है वह टूट गया है। अब घड़ियों में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये इतना सा डायल है बट इसके नीचे हम देखते हैं कई सारे इसके मशीनरी पार्ट्स होते हैं, वी डोंट नो बट वॉच मेकर्स नो दिस वन, दैट्स वाई दे आर सेइंग इसका king bolt जो है वह टूट गया है। I said I was glad it was nothing more serious. और writer अपनी बात को छुपाते हुए क्या कहते हैं, it means knowingly वो कह सोचते हैं कि अरे घड़ी वाले को दुकानदार को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं जानता हूँ कि what is this, तो वो क्या कहते हैं कि हाँ हाँ मुझे खुशी है, I was glad कि इतना सीरियस मैटर कुछ भी नहीं है घड़ी के अंदर, सिर्फ किंग बोल्ट ही खराब हुआ है। टू टेल द प्लेन ट्रूथ, और बता भी रहे हैं, देखिए सच्चाई भी बता रहे हैं, टू टेल द प्लेन ट्रूथ आई हैड नो आइडिया व्हाट द किंग बोल्ट वाज। ऑथर कहते हैं मुझे नहीं पता एक्चुअल में कि किंग बोल्ट होता क्या है, बट मैंने कह दिया किंग बोल्ट है तो किंग बोल्ट है, तो किंग बोल्ट है यूं करके।
बट आई डिड नॉट चूज टू अपियर इग्नोरेंट टू अ स्ट्रेंजर. बोले कि मैं है ना एक स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स अनजान व्यक्ति, अनजान व्यक्ति के सामने अपने आप को ऐसा शो करना चाहता था कि आई नो एवरीथिंग अबाउट द वॉचिज. और इसीलिए वो क्या कहते हैं कि मुझे आइडिया नहीं था किंग बोल्ट क्या है, बट फिर भी मैंने किंग बोल्ट का बता दिया कि ओके ओके आप ये बात कर रहे हैं तो ये तो किंग बोल्ट है ना. He repaired the king bolt, but what the watch gained in one way. अब क्या होता है, watchmaker क्या करते हैं, इसको repair कर देते हैं. repair करने के बाद में हम क्या देखते हैं कि अब एक अलग ही तरह का जो watch है उसने gaining करना शुरू कर दिया है, कुछ ना कुछ नया उसके अंदर changes आ गया है. See what is this? इट लॉस्ट इन अनदर वन वे, इट लॉस्ट इन अनदर मतलब एक बार ठीक हुआ बट दूसरे तरीके से ये खराब हो चुका है. इट वुड रन अ वाइल एंड देन स्टॉप अ वाइल. अब घड़ी ने नई कारगुजारियां शुरू कर दी है ठीक होने के बाद में, और घड़ी में परिवर्तन क्या आ गया देखिए कि कुछ समय के लिए घड़ी दौड़ती है एंड आफ्टर दैट कुछ समय के लिए वह स्टॉपेज ले लेती है. जैसे बसेज स्टॉप लेती है ना कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक तो चली जाती हैं बट आगे रन करने से पहले चाय पानी के लिए, तो यहाँ पे ये घड़ी चाय पानी तो नहीं लेती बट ये स्टॉपेज जरूर ले लेती है. एंड देन रन अ वाइल अगेन, और फिर वापस दौड़ती है. जी हाँ बच्चों, फिर वापस यह चलना शुरू करती है एंड सो ऑन, और ऐसे ही चलता रहता है यूजिंग इट्स ओन डिस्क्रिशन अबाउट द इंटरवल्स. और यहाँ पे बच्चों डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि उन्होंने खुद ने, घड़ी ने खुद ने एक तरह का फ्रीडम ले लिया था, द फ्रीडम एंड पावर टू टेक डिसीजन. अपने आप ही एक डिस्क्रिशन ले लिया था, डिसीजन ले लिया था कि मुझे कब आगे जाना है और कब मुझे स्टॉपेज लेना है. तो इस तरह से ये जो घड़ी है इन्होंने अपने इंटरवल्स को डिसाइड करना शुरू कर दिया. एंड एवरी टाइम इट वेंट ऑफ इट किक्ड बैक लाइक अ मस्कट. अब बच्चों मस्कट का मतलब होता है एक, आप देखते होंगे बच्चों एन अर्ली टाइम ऑफ लॉन्ग गन, एक बड़ी सी गन होती थी उसको यहाँ कंधे पे लगा के यू शूट करते थे तो वो जो है वो पीछे की तरफ धक्का देती थी. अगर आपको याद है, आपने कहीं इसको ऑब्जर्व किया है, तो सेम विद दिस वॉश ये भी क्या करती हैं मस्कट की तरह हर समय, इट मीन्स जब भी वो दोबारा रीस्टार्ट होती है वो एक तरह से किक बैक करती है, मस्कट की तरह एक पीछे धक्का लगता है. इट मीन्स थोड़ा सा स्लाइट मूवमेंट घड़ी पीछे की तरफ लेके अपनी रफ्तार बढ़ाती है. I padded my breast for a few days, but finally took the watch to another watchmaker. थोड़े दिनों तक तो इन्होंने क्या किया, ऑथर ने घड़ी को अपने पास रखा. इट्स ओके, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, आई विल टेक एवरीथिंग इन ईजी वे. बट लेटर ऑन जब अनबियरेबल पोजिशन आ जाती है तो बच्चों क्या होता है, वो उसको अनदर वॉचमेकर के पास में लेके जाते हैं कि भैया आपको इलाज नहीं है, आप इसको ठीक करिए. अब नया वॉचमेकर है, नई बात कर रहा है, क्या हो रहा है, सी दिस वन. He picked it all to pieces and turned the ruin over and over under his glass. अब क्या होता है, नया जो घड़ी साज है वो जितने भी घड़ी के अलग अलग टुकड़े होते हैं उनको देखते हैं, इधर उधर देखते हैं एंड ओवर अंडर हिज ग्लास, और अपने ग्लास से बार 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 इसके अंदर के जितने भी पार्ट्स हैं घड़ी के उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है. And then he said there appeared to be a fresh start. और सब कुछ देखने के बाद में क्या कहते हैं कि अब ये जो घड़ी है ये एकदम fresh starting करेगी, it means बहुत अच्छे से चलेगी. It did well now except that always at 10 minutes to 10 the hands would shut together like a pair of scissors and from that time forth they would travel together. अब होता क्या है, आपने बच्चों कभी वॉच की शॉप्स पे आप गए हुए हैं तो आपने देखा होगा कि जो वॉच की शॉप्स पे वॉचेस पड़ी हुई होती हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं, उनका टाइमिंग 10:10 का ही शो होता है ना. तो घड़ी वो कैंची, सीजर, सीजर मीन्स कैंची की तरह है ना. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इट्स ओके, घड़ी साज ने कह दिया कि अब यह घड़ी जो है वह ठीक चलेगी. और होने के बाद में हम क्या देखते हैं, 10 मिनट्स टू 10
की तरह से ये चलने लग जाती है। इनके जो हाथ हैं वो शट टुगेदर पेयर ऑफ सीजर की तरह होते हैं। और एक टाइम बीइंग जो घड़ी है वो फॉर द मीन टाइम हमारे जो ऑथर हैं उन्हें बिल्कुल सही टाइम बता रही हैं। बच्चों बता रही हैं ये तो एक हम कह रहे हैं, बट एक्चुअल पोजीशन तो हमारे ऑथर ही बता सकते हैं कि व्हाट इज़ द एक्चुअल पोजीशन विद हिम, वेदर इट इज़ ऑल राइट और हैव्स अगेन सम स्ट्रगल विद द वॉच। देखिए द ओल्डेस्ट मैन इन द वर्ल्ड कुड नॉट मेक हेड और टेल ऑफ द टाइम ऑफ डे बाय सच ए वॉच। हम क्या देखते हैं बार बार जो ऑथर है उनके दिमाग में क्या होते हैं कि अरे पुराने समय में हमारे जो बुजुर्ग थे वंस अपॉन ए टाइम जिसने भी घड़ी बनाया होगा उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना तो हेड बनाया और ना टेल बनाया। किसका हेड टेल नहीं बनाया, टाइम ऑफ द डे का हेड और टेल, हेड का मतलब होता है सिर और टेल का मतलब होता है पूंछ। तो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं बनाया एंड सो आई वेंट अगेन टू हैव द थिंग रिपेयर्ड। और इसी तरह से कहने का स्टोरी कहने का तरीका देखिए बच्चों, और इसी तरह से क्या होता है जो ऑथर हैं वो परेशान हो जाते हैं वापस अपनी घड़ी से और परेशान होके वापस उसको रिपेयर के लिए अनदर शॉप पे लेके जाते हैं। अब नई शॉप पे जा रही है घड़ी, नई बातें आ रही हैं, अब क्या गुल खिलाएगी ये घड़ी, क्या कहेंगे वॉच के जो शॉपकीपर हैं वो। सी दिस, this person said that the crystal had got bent and the main spring was not straight. अब जब नई दुकान पे जाती है घड़ी रिपेयर होने के लिए तो वो जो शॉपकीपर है वो क्या कहते हैं कि जो घड़ी है उसका क्रिस्टल जो है वह बेंट हो चुका है और इसके अलावा जो मेन स्प्रिंग है वह मेन स्प्रिंग भी स्ट्रेट पोजिशन में बिल्कुल भी नहीं है। He made these things all right and then my timepiece performed unexceptionally. बच्चों हम क्या देखते हैं कि ऐसा करने के बाद में उन्होंने ठीक है कुछ और अमेंडमेंट करके इस घड़ी को एक टाइम पीस की तरह अनएक्सेप्शनेबली ठीक कर दिया। सेव दैट नाउ एंड देन आफ्टर वर्किंग अलोंग क्वाइटली फॉर नियरली 8 hours एवरीथिंग इन साइड वुड लेट गो ऑल ऑफ अ सडन। अब देखिए नई बात आ रही है, अब एंड बिगिन टू बज लाइक अ बी एंड द हैंड्स वुड स्ट्रेट अवे बिगिन टू स्पिन राउंड एंड राउंड सो फास्ट दैट देयर इंडिविजुअलिटी वॉज लॉस्ट कंप्लीटली एंड दे सिंपली सीम्ड अ डेलिकेट स्पाइडर्स वेब ओवर द फेस ऑफ द वॉच। अब भैया ठीक होने तो गई थी घड़ी, बट हम क्या देखते हैं ठीक होने के बाद में घड़ी में और आमूल चूल परिवर्तन हो गए हैं, घड़ी कुछ और शो करने लग गई है। देखिए कुछ टाइमिंग उसने सही कर दिए, कुछ वो जो बता रहे थे कि क्रिस्टल है क्रिस्टल में बेंट आ गया है, मेन स्प्रिंग है वह भी स्ट्रेट नहीं है, तो वॉच मेकर ये सब तो कर देते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि अब जो घड़ी है क्वाइट वर्किंग मोड में तो आ गई है बच्चों, बट ये क्वाइट वर्किंग मोड हम क्या देखते हैं कि एक 8 hours तक तो सब कुछ ठीक रहता है, एवरीथिंग इनसाइड वुड लेट गो ऑल ऑफ अ सडन। जी हाँ, अचानक क्या होता है 8 घंटे के बाद में 8 hours के बाद में जो घड़ी है वो एक अलग ही तरह का बजिंग साउंड, बजिंग कौन करता है बच्चों, बी करता है, बी मीन्स मधुमक्खी। आपने मधुमक्खी देखी होगी, हम कई बार हमारे घरों में जो हाउस फ्लाई होती है हम उनके लिए भी कह देते हैं कि वो कान के पास आके बजिंग करते हैं। आपने बच्चों मॉस्किटोज भी देखे हैं, मॉस्किटोज भी क्या करते हैं कान के पास आके बजिंग साउंड करते हैं ना, बट यहाँ पे ये घड़ी जो है बी की तरह, इट मीन्स समथिंग मोर साउंड देन द हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। तो ये बजिंग साउंड स्टार्ट हो जाता है और जो हैंड्स होते हैं घड़ी के, इट मीन्स जो सेकेंड की आवर्स की और मिनट्स की जो निडल्स होती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं परिवर्तन होना शुरू हो जाता है।
दे बिगिन टू स्पिन राउंड एंड राउंड सो फास्ट दैट देयर इंडिविजुअलिटी वॉज लॉस्ट कम्प्लीटली. इतना तेज 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 जो तीनों नीडल्स हैं मिनट की, आवर की एंड सेकेंड्स की, वो इतना तेज मूवमेंट लेती हैं राउंड एंड राउंड. तो कहीं ना कहीं आप खुद देख सकते हैं कि घड़ी का एक जो फिक्स सेटिंग होती है वो खराब हो चुकी है और परेशान हो गए हैं हमारे ऑथर. एंड दे सिंपली सेम डेलिकेट स्पाइडर. और ऐसे लगता है जो स्पाइडर्स, स्पाइडर्स मीन्स होती हैं, आपने मकड़ी का जाला देखा होगा, वेब, स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर्स वेब मीन्स मकड़ी का जाला. तो एक तरह से ऐसे लगने लग गया था कि भैया राउंड राउंड करके कहीं ना कहीं जो मकड़ी अपना जाला भी तो इसी तरीके से बुनती है. आपने देखा होगा ये पोजीशन में, ये पोजीशन में वो चलती रहती है. तो हम यहाँ पे मकड़ी के जाले की तरह बात करें तो जो नीडल्स हैं वो ये राउंड 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 स्पीडली करके एक तरह से वेब की तरह काम करना शुरू हो जाती हैं. तो ये जो मूवमेंट है इससे ऑथर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अरे अब मैं करूँ क्या. एक घड़ी वाले ने कुछ और प्रॉब्लम बता दी, दूसरे घड़ी वाले ने कुछ और प्रॉब्लम बता दी, तीसरे घड़ी वाले ने कुछ और प्रॉब्लम बता दी. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या फिनिश हो रही हैं क्या? जी हाँ, हम देख लेते हैं, हमें तो लगता नहीं है फिनिश हो रही है, बट लेटर ऑन ऑथर ही हमें बताएंगे कि क्या पोजिशन चल रही है. She would reel off the next 24 hours in 6 or 7 minutes. अब हम क्या देखते हैं कि जो घड़ी है उसमें क्या परिवर्तन आ गया. देखिए 24 hours में 6 to 7 minutes तक ऐसा मूवमेंट लेती है एंड देन स्टॉप विद अ बैंग और एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस करके घड़ी जो है वो रुक जाती है. I went with a heavy heart to one more watchmaker. अब ये ऑथर इतने परेशान हो गए हैं बच्चों, वो समझ ही नहीं पाते हैं कि यार मेरे घड़ी के हो क्या गया है और घड़ी अभी भी काम करना बंद कर देती है. और ऑथर परेशान होकर उसको दोबारा दूसरे जो वॉचमेकर हैं, घड़ी साज हैं, उनकी शॉप पर लेके जाते हैं. उनकी शॉप पे भी तो समथिंग न्यू हो रहा है इस घड़ी के साथ में. अब क्या घड़ी गुल खिलाएगी? सी विद मी. I went with a heavy heart to one more watchmaker and looked on while he took her to pieces. और वॉचमेकर के पास ले जाई गई घड़ी और वॉचमेकर हाथ में लेके उनके जो अलग अलग पीसेज है उन्हें चेक करने लग गए हैं. Then I prepared to cross question him rigidly for this thing was getting serious. और अब जो ऑथर हैं वैसे परेशान हुए हुए होते हैं, बार बार घड़ी को कभी शॉपकीपर के पास ले जाना, कभी दूसरे शॉपकीपर के पास ले जाना, तो वो परेशान हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं, मैं क्रॉस क्वेश्चन करने लग गया. क्रॉस क्वेश्चन का मतलब है कि मैं घड़ी वाले से कुछ पूछता और वो आंसर देता, उस आंसर में से फिर मेरे को कोई क्वेश्चन अराइज होता, फिर मैं उससे बात करता. तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी और वो चाह रहे थे कि अरे भैया मेरे को ये तो बताया जाए कि मेरी जो घड़ी है उसमें सीरियसनेस क्या आ गई है, इतना बड़ा क्या घोटाला हो रहा है. द वॉच हैड कॉस्ट $200 ओरिजिनली. एक्चुअल में तो घड़ी कितने की थी बच्चों? मात्र और मात्र $200 की घड़ी थी. ओके, अंडरस्टैंड, कितने की घड़ी थी बच्चों? $200 की घड़ी थी. और अब देखिए हम आपको इसके चैप्टर के संग संग रीड आउट करके बताएंगे कि एक्चुअल में ऑथर ने इसके ऊपर कितना पैसा स्पेंड कर दिया है. ओके, and I seem to have paid out $2,000 or $3,000 for repair. $200 की घड़ी के लिए हमारे ऑथर ने 2,000 to 3,000 अभी तक रिपेयर के ऊपर खर्चा कर चुके हैं वो. तो भैया आप खुद देखिए, जितने की चीज़ नहीं आई उससे ज़्यादा तो उस का अमाउंट लग गया है रिपेयर के लिए. वाइल आई वेटिंग एंड लुकड ऑन आई प्रेजेंटली रिकॉग्नाइज इन दिस वॉच मेकर एन ओल्ड एक्वेंटेंस अ स्ट्रीम बोट इंजीनियर ऑफ अदर डेज एंड नॉट अ गुड इंजीनियर आइदर. अब देखिए भैया, अब जो घड़ी साज हैं उन घड़ी साज की तो राम कहानी अलग है बच्चों. वो राम कहानी क्या है देखिए मेरे साथ में. जो घड़ी साज हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं अब इस घड़ी साज को देख रहा हूँ, मेरे को ये लग रहा है कि अरे कहीं ये स्टीम बोट के इंजीनियर तो नहीं हैं. और स्टीम बोट के इंजीनियर भी हैं तो क्या ये बहुत पुराने समय के थे क्या? और क्या आप बता सकते हैं कि ये इतना गुड इंजीनियर थे भी क्या? क्यों? क्योंकि ऑथर को तो लगता है ही इज़ नॉट अ गुड इंजीनियर यार. और जब स्टीम बोट का इंजीनियर है वो घड़ी क्या ठीक करेगा? लेकिन घड़ी तो पहुँच चुकी है उनके पास में और उनके पास में घड़ी पहुँच गई है तो उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा ही होगा. देखिए,
he examined all the parts carefully, just as the other watchmakers had done. और जैसे दूसरे watchmakers ने क्या किया था, dissection कर दिया था एक तरह से watch का, छानबीन करते ना एक 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 parts का, same with this watchmaker, इन्होंने भी क्या किया, carefully एक 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 चीज़ को examine करने लग गए, उसको देखने लग गए कि अब इसमें क्या परिवर्तन और हो रहा है. And then delivered his verdict with the same confidence of manner. और फिर deliver it means बोलना, verdict शब्द, okay? तो वो अपने शब्दों को confidence level पे एक manner से, watchmaker confidence level create करते हुए अपने शब्दों को बोलने लग गए, it means बात बताने लग गए कि भैया अब घड़ी में क्या problem आ रही है. और देखिए ये problem तो बिल्कुल अनोखी problem है. He said, She makes so much steam. अब देखिए भैया, अब घड़ी में एक नई प्रॉब्लम बताई जाती है और वो कहते हैं आपकी ये जो घड़ी है ना, ये बहुत ज़्यादा स्टीम बनाने लग गई है. स्टीम का मतलब होता है भाप, है ना, तो बहुत ज़्यादा भाप बनाने लग गई है. यू वॉन्ट टू हैंग द मंकी रेंच एंड ऑन द सेफ्टी वॉल. अब देखिए यहाँ पे मंकी रेंच का मतलब होता है बच्चों एडजस्टेबल रेंच. चूड़ीदार पाना होता है, आपने देखा पाना, पेचकस, प्लास, ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम अमूमन घरों पे भी रखते हैं. तो इनके इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये था मंकी रेंच, चूड़ीदार पाना था. और वो क्या कहते हैं, सेफ्टी वॉल्व का मतलब होता है वॉल्व दैट ओपन्स ऑटोमेटिकली टू रिलीज एक्सेसिव प्रेशर. जैसे स्टीम के लिए आपने कुकर देखा है, कुकर की स्टीम के लिए सीटी ऊपर बनी हुई होती है, तो वो एक्सेसिव वॉल्व से जो प्रेशर है, हवा का प्रेशर है, सेफ्टी वॉल्व उसको ऊपर कर देता है. सेम हेयर वो कहते हैं भाई मंकी रिज से मैं क्या करूँगा, इसका जो सेफ्टी वॉल्व है उसको कुछ ना कुछ रिपेयर करूँगा ताकि इसकी जो स्टीम है, वो स्टीम जो बन रही है वो निकल जाए. I brained him on the spot and had him buried at my own expense. और बोले कि नहीं अरे इतना आप क्या कर रहे हो, मेरे खुद के खर्चे पे आप ये चीज़ें क्या कर रहे हो. My uncle William now deceased alas. और अब उनको याद आती है अपने अंकल विलियम की, वही अंकल विलियम जो अब नहीं रहे थे, और वो बहुत दुखी महसूस करते हैं. वो महसूस करते हैं कि अरे मेरे अंकल ने कहा था एक बात, यूज्ड टू से दैट अ गुड हॉर्स वाज अ गुड हॉर्स अंटिल इट हैड रन अवे वंस एंड दैट अ गुड वॉच was a good watch until the repairers got a chance at it. और अंकल विलियम की बातों को याद करते हुए ऑथर क्या कहते हैं, मेरे अंकल हमेशा कहते थे कि एक अच्छा घोड़ा वही अच्छा घोड़ा होता है जब तक कि वह रेस में बहुत अच्छी तरह से कम्पीट करके दिखा दे, इट मीन्स रनिंग बहुत अच्छी करे. और इसी प्रकार से एक जो अच्छी घड़ी होती है, वह अच्छी घड़ी तब तक ही अच्छी घड़ी होती है जब तक कि वह रिपेयर के लिए शॉपकीपर के पास में ना जाए, इट मीन्स जब तक ना जाए तब तक तो ठीक है, और शॉपकीपर के पास जाने के बाद तो घड़ी में कुछ ना कुछ खराबियाँ शुरू हो ही जाती हैं. इट्स ओके, माइनर मिस्टेक हो गई थी घड़ी में, बट अब हम देखते हैं स्टार्टिंग से आप मेरे संग स्टोरी को कवर कर रहे हैं बच्चों कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है ना. And he used to wonder what became of all the unsuccessful tinkers and gunsmiths and shoemakers and engineers and blacksmiths, but nobody could ever tell him. अभी अब बहुत चीज़ें याद की जा रही हैं ऑथर के द्वारा. वो क्या कह रहे हैं कि अरे ये इतने बड़ा आश्चर्य हो रहा है, क्या क्या हो रहा है. देखिए कि अनसक्सेसफुल टिंकर्स भी होते हैं, गन स्मिथ्स भी होते हैं, और शू मेकर भी होते हैं, अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. शू मेकर जो जूते बनाते हैं, इंजीनियर्स जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ जो हैं वो उनके अलग काम होता है. बोले जो भी है, सबसे बड़ी बात क्या है, nobody could ever tell him, कोई भी उसको नहीं बता पाता है कि एक्चुअल पोजीशन क्या हो रही है. और बच्चों हम क्या देखते हैं कि इस तरह से हमारे ये जो ऑथर हैं, ये अपनी घड़ी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं. बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं यार, $200 की खड़ी थी और मैं अभी तक $2,000 to $3,000 तो इसके ऊपर लगा चुका हूँ, बार बार अलग अलग घड़ी साज के साथ. तो बच्चों ये जो कहानी है,
घड़ी के ऊपर बेस्ड। ये कहीं ना कहीं मार्क ट्वेन जो हैं वो हमें बताते हैं कि हमें अपनी चीज़ों को कितना संभाल के रखना चाहिए, हमें अपनी चीज़ों को कभी भी नुकसान में नहीं डालना चाहिए। इट मीन्स कहीं भी केयरलेसनेस नहीं ज़िंदगी में अपनानी है। इट्स ओके ही इज़ टेकिंग द इंसिडेंट ऑफ अ वॉच, बट इट्स इम्प्लीमेंटेड इन ऑल ऑफ द वर्क्स विच वी आर डेली रूटीन में हम जो भी लेते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं बच्चों, कि कोई भी, ये घड़ी की बात है, कोई भी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में हमें सिस्टमेटिक वे से बहुत ही केयरफुली करनी है। होप आपको बच्चों ये समझ में आ गया है, और हम नेक्स्ट पार्ट लेके आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक बिंदु के साथ पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।